जांच की छापा से खबर है, जहां पर जिला न्यायालय ने कलेक्टर के नाम कुर्की वारंट जारी कर दिया है। ये वारंट एक दुकानदार की याचिका पर जारी किया गया है। मामले में 15 साल बाद भी दुकान से लिए गए सामान का भुगतान ना किए जाने पर यह फैसला सुनाया गया है, जिसमें कलेक्टर के नाम से कुर्की वारंट जारी किया गया है और दुकानदार ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि सिंघानिया स्टोर के 1,07,000 रुपये का भुगतान नहीं किया गया। मामले में 15 साल बाद भी भुगतान नहीं किए जाने के मामले में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कलेक्टर की कार और शासकीय संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिया। ये मामला जांजगीर चांपा का है, जहां जिला न्यायालय ने कलेक्टर के नाम जारी कुर्की वारंट में कलेक्टर की कार व अन्य शासकीय संपत्ति को कुर्की करने का आदेश दिया है। बताया गया कि जिला न्यायालय से अधिकारी भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। यहाँ जनरल स्टोर करके एक हमारी एक स्टेशनरी की फर्म हुआ करती थी, जिसको मैं संचालन करता था। 2007 की बात है, जब कलेक्ट्रेट बाढ़ रहा शाखा जांजगीर में मैंने कुछ स्टेशनरी सामान सप्लाई किया था। कुल अमाउंट 1,07,000 रुपये हुआ था। 2007 से जो पैसा पेमेंट था वो इन्होंने अभी तक भुगतान मुझे नहीं किया है, और मैंने इनको कई बार रिमाइंडर लेटर लेटर के ऊपर लेटर देते रहा। इनसे मैंने अनेकों बार निवेदन किया कि बाढ़ राहत शाखा में मैंने जो सामग्री सप्लाई किया है, साहब उसका भुगतान मुझे किया जाए। तो उसको मैं पूरी तरह से देख नहीं पाया हूँ, उसको अवलोकन करूँगा। माननीय न्यायालय कोर्ट का आदेश था कुछ जो है ना, उसका अवलोकन करूँगा, उसके पश्चात ही बता पाऊँगा। की बात सामने आ रही है, देखते उसमें क्या कंडीशन बनती है, उसके संबंध में मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है।